कैसे कमा और डॉक्यूमेंट के मेन काम क्या है कि हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं, और सेकंड क्या है, लोन दे रहा होता है बैंक, इंस्टॉलमेंट्स पे एसेट्स आपको दे रहा होता है, सारे काम लगा। तो खैर हमने बैंक को यहाँ नहीं पढ़ना, डिटेल में बैंक को यहाँ नहीं पढ़ना, हम बात किस पे करेंगे, मेन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स पर बात होगी इसमें। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू बैंक का। टाइप्स ऑफ बैंक क्या होती है, दो टाइप्स के बैंक होते हैं, कमर्शियल और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल। अच्छा इनके डिफरेंस क्या होता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में? अच्छा पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक किस नाम से बना? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दो टाइप्स हो गई इसकी, दो कैटेगरीज कह लेंगे, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो बैंक होते हैं कोई भी बैंक हो, बैंक का पर्पस क्या होता है, बैंक किस लिए खोलते हैं, किस लिए बनाते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए ना। तो जो भी बिजनेस होता है चाहे वो बैंक हो या कोई और, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। अच्छा तो कमर्शियल बैंक जितने भी होंगे इन सबका मेन पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट अर्निंग होता है। और ये जो सेंट्रल बैंक है इसका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि इसका पर्पस होता है पैसा, कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करना, उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज बनाना, और उसके अलावा जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना। सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करना, पॉलिसीज बनाना और हमारी इकोनॉमी को भी कंट्रोल। और बाकी जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। ये पढ़ ले पहले सेंट्रल बैंक, ये कह रहे हैं सेंट्रल बैंक का दो व्हिच आर मेन एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू कंट्रोल इकोनॉमी एंड कमर्शियल बैंक टू अदर फाइनेंशियल मार्केट, इट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू कमर्शियल बैंक, इट परफॉर्म्स क्लियरिंग हाउस फंक्शन फॉर अदर बैंक, इट ऑल्सो इशू करेंसी नोट, नोट भी इशू करते हैं। पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक किस नाम से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक ही होगा ठीक है, तो नॉर्मली हर कंट्री में एक ही होता है। अच्छा इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, ये नया के परफॉर्म्स क्लियरिंग हाउस फंक्शन फॉर अदर बैंक, इस पर भी बात करते हैं बाद में, इसको पे भी बात करते हैं कुछ देर बाद, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है। तो बाकी पॉइंट्स क्लियर हैं। अच्छा कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, सेंट्रल बैंक के अलावा जितने भी बैंक है वो सब सेंट्रल होंगे, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। और प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, बाय इन्वेस्टिंग एंड लेंडिंग पब्लिक डिपॉजिट, यानी जो कैश हम डिपॉजिट करवाते हैं वही वो आगे इन्वेस्ट करता है, दूसरों को लोन देता है एज अ लोन, और वहां से प्रॉफिट अर्न करता है। अच्छा कमर्शियल बैंक की फर्दर तीन टाइप्स है, प्राइवेटाइज, नेशनलाइज और प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के ओनरशिप में हो वो बैंक्स कहलाते हैं नेशनलाइज्ड, ठीक है, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये नेशनलाइज्ड बैंक हो गए जो गवर्नमेंट की ओनरशिप। अच्छा प्राइवेटाइज बैंक कौन से होते हैं, जैसे बैंक ऑफ पंजाब को पंजाब गवर्नमेंट का हो गया, वो भी नेशनलाइज ही आ जाएगा, सिंध बैंक हो गया सिंध गवर्नमेंट का, ये सारे कौन से आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं जो गवर्नमेंट के ओनरशिप। प्राइवेटाइज बैंक कौन से होते हैं, मतलब वो नेशनलाइज बैंक, मतलब बैंक जो गवर्नमेंट ने बेच दिया, मतलब वो बैंक जो पहले गवर्नमेंट की ओनरशिप में थे बाद में गवर्नमेंट ने बेच दिया, जैसे कि आपका एमसीबी गवर्नमेंट का था सेल कर दिया, अलाइड बैंक, यूबीएल, यूनाइटेड बैंक और एचबीएल अभी बैंक, ये चारों बैंक्स गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट ने चारों बैंक्स, अब सभी के रह गया आपका नेशनल बैंक। तो पहले टोटल बैंक ही आपके कितने थे, पांच होते थे पाकिस्तान में, नेशनल बैंक और चार ये बैंक, चारों पांचों के पांचों किसके थे, गवर्नमेंट ओनरशिप। बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने चार बैंक भेज दिए, प्राइवेटाइज कर दिया, अब गवर्नमेंट के पास एक रह गया नेशनल बैंक। तो ये हो गया आपके प्राइवेटाइज।
और प्राइवेट बैंक्स कौन से होंगे जिन्होंने स्टार्ट ही बैंक किया था प्राइवेट बैंक के लिए, जैसे आप कोई बैंक ओपन कर खोल रहे हैं, मैंने कोई बैंक खोल लिया, वो कहलाएंगे प्राइवेट बैंक, जिन्होंने स्टार्ट किया था प्राइवेट बैंक के लिए। लेकिन 5 के अलावा जितने भी बैंक हैं, जैसे और कौन से बैंक हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है, और अल्फाला बैंक है, मिजान बैंक है, ये सब क्या है प्राइवेट बैंक। ये लोग हैं इसके टाइप्स, थोड़ा सा रीड कर लें आप, फिर इसके बाद करते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। गया जी, क्लियर। अच्छा बता देते, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन, लेकिन फर्ज करेंगे आपका, मेरा बैंक है अल्फला और आपका बैंक है एचबीएल, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको चेक दिया, आपको पेमेंट किया बाय चेक, तो आप क्या करेंगे, चेक लेकर बैंक जाएंगे अपने एसबीएल, वहां जाके वो चेक डिपॉजिट करवाएंगे। अच्छा, आप वहां से वो चेक मेरे बैंक में आया, क्लियरिंग में आएगा ना, तो मेरे बैंक में आएगा क्लियरिंग में, कि वो मेरे बैंक वाले चेक कर लेंगे भाई कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, अगर अकाउंट में पैसे होंगे तो वो ओके कर देंगे, और फिर आपका जो बैंक है वो आपको अपने पास से कैश, ऐसे होता है। अच्छा, पैसा तो नहीं होगा ना कि मेरे बैंक में वो चेक आएगा, मेरे बैंक वाले चेक के साथ वो कैश स्टैपल करके या एनवेलप में डाल के आपके बैंक भिजवाएंगे, फिर आपके बैंक वाले आपको कैश देंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो कैश तो बैंक, आपका बैंक आपको अपने पास से दे देगा, इसी तरह होता है। अच्छा, उससे क्या होगा फिर, अब आपके बैंक के लिए अब आपका जो बैंक है एसबीएल वो रिकॉर्ड करेगा रिसीवेबल फ्रॉम अल्फला, और जो मेरा बैंक है अल्फला वो रिकॉर्ड करेगा पेएबल टू एसबीएल, ऐसे ही होगा, इसी तरह होता है, ठीक है। इसी तरह ये पूरे दिन में डिफरेंट बैंक्स के चेक्स डिफरेंट बैंक्स में जा रहे होते हैं और डिफरेंट बैंक के चेक्स आ रहे हैं, इस तरह से बैंक्स के आपस में रिसीवेबल पेबल क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि डे एंड पे उनकी एक लिस्ट बनती है, और वो लिस्ट बना के कहाँ चली जाती है, सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक। स्टेट बैंक क्या करता है कि इनकी जो आपस की जो सेटलमेंट होती है वो कौन करता है, स्टेट बैंक। अच्छा, स्टेट बैंक में हर बैंक का अकाउंट होता है, हर बैंक का अकाउंट स्टेट बैंक में होता है, और जितना भी अमाउंट बैंक्स में डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंट उन्हें अपने सेंट्रल बैंक के अकाउंट में मेंटेन करना। अब जो बैंक्स की आपस की सेटलमेंट होती है ना, रिसीवेबल पेबल्स, ये सेटलमेंट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो बैंक क्या करते हैं, वो चेक्स की लिस्ट बना के सेंट्रल बैंक भिजवा देते हैं, फिर सेंट्रल बैंक बैंक्स की आपस की सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। जिसने जिसको जितना पे करना है उतने पैसे निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफर, तो इसे कहते हैं हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये कहते कि बैंक्स की जो सेटलमेंट होती है आपस की रिसीवेबल्स पेबल्स की, वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक, तो इसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। जैसे एग्जांपल में लिखा भी है, ए बैंक ओ 100 टू बी बैंक और बी बैंक ओ 100 टू ए बैंक। अब इसकी सेटलमेंट क्या होगी, 100 माइनस 60 करेंगे, 40 का डिफरेंस निकल आएगा, 40 कौन किसे पे करेगा,
अब ए के बैंक को बैंक ने बी को पे करने होंगे ना 40। अच्छा ये तो अब ए के बैंक से, अब ए का बैंक जो है बी के बैंक को 40 पे करेगा। अब ये जो उनकी सेटलमेंट होगी 40, ये कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? ए बैंक के अकाउंट से 40 निकालकर बी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर। ये बैंक्स की आपस की सेटलमेंट, तो इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस। ये क्या रहा? बैंक से सेटलमेंट। बताते हैं क्या बैंकर कौन होता है, इसे कहते हैं बैंकर। जो बैंक में काम कर रहे होते हैं, बैंक में जो जॉब करते हैं उनको, बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें बैंकर कहते हैं। अच्छा कस्टमर कौन होगा? हम हो गए अकाउंट होल्डर। बैंकर हो गया बैंकर स्टाफ और कस्टमर, तो रीड कर ले, ये रीड कर। क्लियर है? बैंकर की ड्यूटीज क्या होती हैं? ये तीन फंक्शन होते हैं। अब आते कस्टमर हो गया, मतलब ये है बैंकर कस्टमर रिलेशन। बैंकर और कस्टमर में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं इन पे बात करते हैं। अच्छा नॉर्मल एक जो बिजनेस होता है, जैसे दुकानदार एक दुकान से आपको चीज खरीदते हैं, तो वहां क्या रिलेशन बनता है हमारा दुकानदार का? कस्टमर और सप्लायर का रिलेशन होता है ना। हम कस्टमर हो गया, वो हमारा सप्लायर होता है। और अगर क्रेडिट पे ले रहे तो क्या रिलेशन बनेगा फिर? वहाँ रिसीवेबल पेबल आ जाएगा, डेटर क्रेडिटर हो जाते हैं। इसी तरह से कस्टमर और बैंक में भी कुछ रिलेशन होते हैं। अभी सबसे कॉमन कौन सा है? डेटर क्रेडिटर, यानी कि रिसीवेबल पेबल। ठीक है, जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो एक तरह से हमारी अमानत ही होती है ना बैंक के पास, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? रिसीवेबल होते हैं। क्या आज हमने डिपॉजिट करवाया तो कल को हमने बैंक से लेने, और बैंक पे लायबिलिटी आ जाती है कि आज जो पैसे कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया वो कल को उसको वापस करने पे कर। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां रिलेशन क्या बनता है? डेटर क्रेडिटर। बैंक बन जाते हैं हमारे डेटर रिसीवेबल और हम बन जाते हैं बैंक के क्रेडिटर पे। ये कॉमन रिलेशन हो गया डेटर क्रेडिट। अच्छा फिर एक रिलेशन होता है बेलर पे। अपने आपको पता है लॉकर्स होते हैं बैंक में लॉकर्स होते हैं। अच्छा लॉकर्स में हम क्या रखते हैं? अपने जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ज्वेलरी है, डॉलर्स वगैरह, जो कीमती चीज होती है वो रखी जाती है। तो जब आप अपनी कोई भी चीज, अपना कोई भी एसेट या कोई भी चीज किसी की कस्टडी में रखवाते हैं, सेफ कस्टडी में, तो वहां रिलेशन बनता है बेलर पे। जैसे कभी आपके पास गाड़ी है, आप कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, गाड़ी अपने क्या करते हैं किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर खड़ी करवा देते हैं ना, कि भाई तुम जरा ख्याल रखना, चलाते भी रहना, ताकि वापस आओ तो गाड़ी वर्किंग कंडीशन में मिल जाए आपको। होता है ऐसा? अब अपने एक दोस्त के घर गाड़ी खड़ी करवाई और आप निकल गए, वहां रिलेशन क्या बनेगा? बेलर। जब आप कोई अपना एसेट या कोई भी चीज किसी की सेफ कस्टडी में रखवाते हैं तो वहां रिलेशन बनता है बेलर। तो बैंक में आपको पता है लॉकर्स होते हैं, सेफ होते हैं, लॉकर्स फैसिलिटी हम देते हैं। जब हम लॉकर में कोई चीज रखेंगे तो वहां रिलेशन बनेगा बेलर। हम बैंक बन जाएगा हमारा बेली और हम बन जाएंगे बैंक के बेलर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेलमेंट। बेलमेंट क्या प्रोसेस है? रिलेशन होता है प्रिंसिपल एजेंट का। अच्छा एजेंट कौन होता है? जनरल बात करें एजेंट किसको कहते हैं? डिटेक्टिव, वो वाला एजेंट नहीं,
007 एजेंट एजेंट किसको बोलते हैं? एजेंट होता है जैसे ब्रोकर कह माइंडर ले, ब्रोकर कौन होता है? कोई नुमाइंदा हो गया किसी, नुमाइंदा कह ले कोई किसी का, या कोई किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है उसको एजेंट कहेंगे ना। जैसे स्टेट डीलर कह लें, स्टेट एजेंट होता है। जैसे आपको जब कोई घर खरीदना होता है या रेंट पे लेना होता है या सेल करना होता है, तो स्टेट एजेंट के पास जाते हैं। उसको एजेंट क्यों बोलते हैं? वो हमारे बिहाफ पे काम करता है ना। अब हम अपना कोई घर सेल करना है तो स्टेट एजेंट के पास जाएंगे, उसको बताएंगे भाई घर सेल करना है इतने में, फिर तो वो आपके बिहाफ पे वर्किंग करेगा, कस्टमर्स लेकर आएगा, फिर आपकी डील करवाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगी और सर्विस चार्जेस लेगा। तो वो क्या बन जाता है? हमारा एजेंट, नुमाइंदा कहना है जिसको, ठीक है। और प्रिंसिपल कौन होगा? प्रिंसिपल किसे कहते हैं? तो जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करेगा। जैसे हम स्टेट एजेंट के थ्रू पे प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, तो स्टेट एजेंट हमारा एजेंट होगा और हम उसके प्रिंसिपल बन जाएंगे, जिसके बिहाफ पे काम करेगा उसे प्रिंसिपल कहेंगे। अच्छा, तो अगर हम बैंक के थ्रू कोई काम करवाते हैं तो बैंक बन जाएगा हमारा एजेंट और हम बन जाएंगे बैंक के। जैसे क्योंकि बैंक अरेंजेस इंश्योरेंस फॉर कस्टमर, तो बैंक बन जाएगा हमारा एजेंट और हम बन जाएंगे बैंक के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या हुआ? मॉर्गेज क्या अच्छा, ये क्या लिखा है? ठीक है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी, एक तो मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज से फिर मॉर्गेजर मॉर्गेजी। हाँ, मतलब ये मॉर्गेज के मीनिंग क्या होते हैं? मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना। मॉर्गेज मीन होते हैं गिरवी रखवाना, ठीक है। अपना कोई एसेट, जैसे हमने ये थे बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अपन कोई एसेट मॉर्गेज करवाते हैं ना। घर गाड़ी मॉर्गेज करवाते हैं कि कल को अगर हम पे ना कर सकें तो वो उसको बेच के अपने पैसे पूरे कर। तो मॉर्गेज होता है कि आप गिरवी रखवाना। अच्छा, अब हमने बैंक से लोन लिया और लोन के अगेंस्ट हमने अपना घर या गाड़ी मॉर्गेज करवा दी, गिरवी रखवा दी बैंक में, वहां रिलेशन बनेगा मॉर्गेजर मॉर्गेज। तो बैंक बन जाएगा हमारा मॉर्गेज और हम बन जाएंगे बैंक के मॉर्गेजर, मॉर्गेज से बना ये गिरवी रखवा। अच्छा, तो ये रिलेशन याद रखिएगा, इस पे छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है, एक सिचुएशन देके आपसे पूछ सकता है कि बताएं कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ये याद रखना है मॉर्गेजर, इसके बाद अच्छा रहे राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। बैंकर्स राइट, अच्छा बैंकर के क्या राइट्स होते हैं? बैंकिंग चार्जेस और कमीशन, क्योंकि बैंक हमसे चार्जेस लेते हैं, जिसका राइट है ना कि वो हमें सर्विस दे रहा है उसके अगेंस्ट वो हमसे चार्जेस ले सकता है। यूजिंग कस्टमर मनी, जो पैसे हम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो उसको यूज कर सकता है, उसका राइट। अच्छा, डिमांडिंग री पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो अगर हमने ओवरड्रॉ किया बैंक से तो वो डिमांड कर सकता है भाई कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में पैसे वापस कर। अच्छा, प्रोसेसिंग अ लियन ओवर सिक्योरिटी, एक नई टर्म आ गई, प्रोसेसिंग अ लियन ओवर सिक्योरिटी, ठीक है। हमने बैंक से लोन लिया और अपना घर हमने मॉर्गेज करवा दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम टाइम पर लोन पे नहीं कर सके या इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर, तो अब क्या होता है फिर? फिर क्या होगा? हाँ, फिर बैंक क्या करेगा? आपको घर से बाहर निकालेगा, घर अपनी पोजिशन में ले लेगा, और फिर भी आप पैसे नहीं देंगे तो उसको बेच के अपने पैसे पूरे कर लेगा। तो ये बैंक का राइट है कि अगर आपने कोई एसेट मॉर्गेज करवाया और टाइम पे आप लोन पे ना कर सकें तो वो आपका एसेट अपनी पोजीशन में ले सकता है ना, ये उसका राइट है। इसी तरह अगर गाड़ी आप बैंक से कोई गाड़ी निकलवाते हैं इंस्टॉलमेंट पे और टाइम पर गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ना करें तो क्या होता है, कैसे लेता है? ठीक है, बैंक के बंदे आते हैं आपको गाड़ी से उतारते हैं और गाड़ी लेके, रिकवरी वाले आते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि ट्रैकर लगा होता है, ट्रैक कर लेते हैं वो, जहां भी आप होते हैं वहीं आते हैं, वहीं से आपको उतारेंगे गाड़ी से, गाड़ी लेके चले। हाँ,
वो भी करप्शन की बातें छोड़ दो। अभी बात हो रही है राइट्स एंड ड्यूटीज की, वो तो फिर दो नंबर ही बहुत तरीके, ट्रैकर निकाल दें उसको पंजाब लेके चले जाए, ये कर दें, वो सब कुछ होता है, बहुत सारी अलग कहानी है। ठीक है, अभी बात हो रही है राइट्स एंड ड्यूटीज, लोन ले रहे हैं मैनचेस्टर, ऐसे क्यों देगा भैया, छोटा मोटा तो शायद हो सकता है, बड़ा अमाउंट होते तो मॉर्गेज भी तो रखवाना पड़ता है ना कुछ छोटे मोटे में तो। हाँ छोटा मोटा अमाउंट तो एज इट इज पैसे मिल जाते हैं आजकल, अपना मैं बता आपको छोटा मोटा लोन तो ऐसे ही मिल जाता है, मॉर्गेज जरूरी नहीं होता, बड़े अमाउंट भी होते हैं। जैसे आजकल है जो बैंक है, मेरा बैंक से मुझे एक मैसेज आ रहा होता है दूसरे दिन से कि आपका 7,50,000 का लोन अप्रूव हो गया, किसी भी टाइम ले सकते हैं, वो रोजाना देने पे तुले मुझे लोन लेते हैं। अब छोटा मोटा तो मिल जाता है उसमें कोई, अब अगर मैं लोन लेता हूँ 7,50,000 का तो कोई मॉर्गेज नहीं रखना उनके लिए छोटा होगा, हमारे लिए बड़ा उनके लिए छोटा, वो खुद ऑफर कर रहे हैं तो इसका मतलब छोटा है ना उनके लिए। मैसेज आ रहा होता है आपका लोन अप्रूव हो गया है, बस अभी अप्लाई ना, अप्लाई ना, अल्फला इंटरेस्ट फ्री थोड़ी होगा, एक लंबी कहानी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई है तो उसको अपने पोजीशन में ले सकता है जब तक कि आप पेमेंट वापस ना कर। क्या लिखा, लियन के राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी टू डिस्चार्ज अटर। This would not apply to item held in safe custody such as jewelry, but would apply to deposit of property for a loan. क्या मतलब, वो बैंक से आपने लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज करवा दी और उसी बैंक में आपने लॉकर भी लिया हुआ है, लॉकर में आपने अपने ज्वेलरी डॉक्यूमेंट्स गोल्ड जो भी रखा हुआ था, अब आप डिफॉल्ट कर गए तो क्या होगा, बैंक सिर्फ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पोजिशन में लेगा, आपके लॉकर में जो सामान रखा है वो उसको कुछ नहीं कर सकता, जो उसको टच नहीं करेगा, सिर्फ जो एसेट आपने मॉर्गेज किया वही लेगा, गाड़ी है तो गाड़ी उठा लेगा, घर है तो घर अपनी पोजीशन में ले लेगा, बाकी लॉकर में अगर कुछ रखा है तो वो उसको टच नहीं करेगा, या आपका बैंक बैलेंस है तो उसको। अच्छा, हो गया बैंकर के राइट, अब उसकी ड्यूटीज क्या है, ऑनर चेक, चेक आपको क्लियर करना, आप चेक लेके बैंक गए या कोई और आपका चेक लेके गया तो उसको क्लियर करें, रिसीव कस्टमर फंड्स, पैसे रिसीव करें आपसे, रीपेमेंट ऑन डिमांड, आपके कहने पे पे कर दें, फॉलो कस्टमर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जैसा आपने कोई चेक इशू किया और कॉल कर दी बैंक के भाई ये चेक ब्लॉक कर देना, पेमेंट ना करना, तो फॉलो करेगा बैंक उसको। अच्छा, प्रोवाइड अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके ट्रांजेक्शन को कॉन्फिडेंशियल रखे, हर किसी को बताता ना फिर, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, इसकी एंटी भी जा रहे हैं बैंक वाले कि बैंक से अगर कुछ पैसे आप निकलवा लें तो घर जाने से पहले आप लुट जाते, वो है किसी के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई आपका जैसे कि जारी चेक आ गया फ्रॉड हो गया कोई भी तो बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा, इसकी ड्यूटी है। और आखिर में क्या है, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, के आपके कहने पे आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर, कोई आपके कोई जाली चेक आ गया जैसे आपको बताएगा वो, या कोई फ्रॉड वगैरह हो गया ऑनलाइन जैसे होता है तो आपको बता देगा ना फॉरन को भी ये गड़बड़। नेक्स्ट कस्टमर ड्यूटीज के, कीप सेफ देयर चेक फ्रॉम, और चेकबुक को संभाल के रखें ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएं,
और इंडेमनिफाई बैंक। इंडेमनिफाई बैंक का मतलब क्या है? नई टर्म है इंडेमनिफाई बैंक। इंडेमनिफाई के मीनिंग होते हैं कि अगर आपकी वजह से किसी को लॉस हो सकता है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको लॉस से बचाए, ऐसा ही है। और ये अगर लॉस हो गया तो आप उसको पूरा करें, ये इंडेमनिफाई के मीनिंग। अच्छा भाई, कस्टमर इंडेमनिफाई मीन्स हो गया कि टू मेक, ठीक है, लॉस से बचाना या लॉस हो गया तो उसको पूरा करना। अच्छा ये बताएंगे, एक कस्टमर एक अकाउंट होल्डर बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है? अगर आपका अकाउंट है बैंक में, आप अपने बैंक को लॉस पहुंचाना चाह रहे हैं तो कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है, एक आपने ओवरड्रॉ किए पैसे और गायब हो गए तो बैंक को लॉस होगा, और लोन लिया बैंक से और भाग गया लोन लेके, गाड़ी निकलवाई इंस्टॉलमेंट पे, इंस्टॉलमेंट पे ना करें, ठीक है, तो मतलब एक साइड कस्टमर की वजह से बैंक को नुकसान हो सकता है ना, तो अभी कस्टमर की ड्यूटी है कि वो बैंक को नुकसान से बचाए। कि अगर आपने ओवरड्रॉ किए आप पे करें, आपने लोन लिया है तो पे करें, गाड़ी ली इंस्टॉलमेंट पे तो टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे करें, तो ये कस्टमर की ड्यूटीज है। इसके लिए टर्म यूज होती है इंडेमनिफाई बैंक। अब इसको रीड कर लें, तो सिक्योर अगेंस्ट पॉसिबल लॉस और डैमेज, लॉसेस। अगर इसको रीड करें फिर इसमें एक टर्म है वो भी आपको समझाता हूँ। इसमें कुछ नया दिख रहा है आपको? क्या चीज समझ में नहीं? ये देखो भाई, चेक गारंटी कार्ड, क्या लिखा हुआ है? चेक गारंटी कार्ड। ये क्या होता है? अच्छा, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का तो नाम सुना है, देखा भी होगा, यूज भी किया है, तो ये भी इसी तरह का कार्ड ही होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह कार्ड होता है। क्या इसमें आप बैंक से ये कार्ड बनवाते हैं, बैंक आपको बनाकर देता है, और अगर बैंक आपको ये कार्ड बनाकर दे दे उसका मतलब ये होता है कि बैंक आपकी गारंटी ले रहे हैं। तो भाई ये बंदा अगर इतने अमाउंट तक का चेक इशू करता है तो उसकी पेमेंट करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे अकाउंट में पैसे हो या ना। तो और इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट भी होती है। आपने एक न्यू बिजनेस शुरू किया, आप एक सप्लायर के पास गए, आपने बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग की, अच्छा क्या वो आपसे कैश चेक लेगा? अब आप चेक से पे कर रहे हैं तो चेक लेगा आपसे? न्यू बिजनेस है आपका या पुराना बिजनेस? पुराना था, नए सप्लायर के पास आप चले गए, आपने बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग की और अब आप पेमेंट उसको कर रहे हैं बाय चेक, क्या वो आपसे चेक लेगा? तो आप एक सप्लायर है, रॉ मेटेरियल सप्लायर है, नया कस्टमर आया आपके पास फर्स्ट टाइम परचेजिंग करने, बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग की, अब आपको पेमेंट कर रहा है वो बाय चेक, चेक लेंगे आप उससे? अननोन बंदा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके पास, नया बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो नहीं लेंगे चेक, आप उसको जानते नहीं कौन है कहाँ से उठ गया, चेक बाउंस हो गया फिर क्या होगा? बाउंस भी हो जाता है ना चेक, तो रिटर्न भी हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? दूसरे शहर से कोई बंदा आ गया उसको देंगे माल? अननोन फर्स्ट टाइम नया सर नहीं देंगे ना, राइट? इसी तरह आप परचेजिंग करने जा रहे हैं किसी नए सप्लायर के पास तो वो आपसे चेक नहीं लेगा, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? आप बैंक जाएंगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है बैंक से आप बनवाएंगे गारंटी कार्ड। अब अगर बैंक आपको एक गारंटी कार्ड बनाकर दे देता है तो उसका मतलब ये होगा कि बैंक आपकी गारंटी ले रहे हैं, जब आप जो भी चेक इशू करेंगे एक लिमिट तक का उसकी पेमेंट करना बैंक से जिम्मेदारी, चाहे पे आपके अकाउंट में पैसे हो। नहीं ना, हाँ मतलब नॉर्मली होता है बिजनेस में, आम अकाउंट होल्डर के लिए थोड़ी होता है, जैसे मैं आप जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा, नॉर्मली बिजनेस मैन के लिए। अच्छा तो आप क्या, आपने बैंक से गारंटी कार्ड बनवाया, अच्छा गारंटी कार्ड की लिमिट थी आपकी 1 लाख की लिमिट थी, आपने क्या किया 50-50,000 के 5-6 चेक बांट दिए पूरी मार्केट, उसको भी दे दिए उसको भी दे दिए, 2-3 लाख के आपने चेक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
तो वो सब लोग 5 चेक लेके बैंक, तो पता चला बैंक बैलेंस आपका कितना था, 5,000 रुपये का। अब क्या होगा, पेमेंट होगी नहीं होगी? बैंक तो पे करेगा क्योंकि बैंक ने आपकी गारंटी ली है। लेकिन क्या होगा, इससे आपका बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट से चला जाएगा नेगेटिव। तो ये ऐसा कह ले कि आपका बैंक बैलेंस था 50,000 का, आपने चेक इशू कर दिया 70,000 का, ठीक है। वो चेक लेके पहुंचेगा बैंक, तो बैंक पेमेंट करेगा क्योंकि बैंक ने आपकी गारंटी ली। उससे क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। अब आप पे एक ड्यूटी आ जाएगी कि अब आपने उसको पे करना है ताकि बैंक को नुकसान से बचाए। अब इसकी लिमिट होती है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, आपकी बैंक बैलेंस पे, आपकी ट्रांजेक्शन। 1,00,000 के 5 चेक डिस्ट्रीब्यूट, 1,00,000 तक के जितने भी अमाउंट है, तो आप एक के पास गए, चेक दिया, आप उसको अपना कार्ड दिखाएंगे, वो तो गारंटी कार्ड का नंबर अपने पास नोट कर लेगा, आपसे चेक ले लेगा, एक और के पास चले गए अपना, उनको पता कि आप कितने चेक बांट कर रहे हैं ना, बैंक को पता है। सबकी पेमेंट 1,00,000 तक के जितने भी चेक होंगे इसकी पेमेंट है, सही है। तो उससे क्या होगा, आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, तो आपके ऊपर ड्यूटी आ जाएगी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने वो पे करना है ताकि बैंक का नुकसान से बैंक। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो 3 टाइप्स के बैंक अकाउंट होता है, 3 ये कॉमन टाइप्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट डिफरेंस क्या इनमें, करंट अकाउंट क्या होते हैं कि हाँ, जैसे जब जितना अमाउंट चाहे डिपॉजिट करवाएं, जब जितना अमाउंट चाहे विड्रॉ करें, कोई लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है आपका उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री अकाउंट। अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुलवाते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि उनकी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही होती है। बाकी एक सैलरी पर्सन भी करंट अकाउंट खुलवा सकते। इसके बाद सेविंग अकाउंट, जिसको PLS अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि डिपॉजिट पे तो कोई लिमिट नहीं होती, जब जितना अमाउंट चाहे डिपॉजिट करवाए, विड्रॉल्स पे कुछ लिमिट्स होती हैं, विड्रॉल्स लिमिट होती है डेली या वीक की। नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन होते हैं नॉर्मली वो खुलवा लेते हैं सेविंग अकाउंट, या आपको सैलरी चेक मिला, आपने डिपॉजिट करवाया और थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ कर लिया, और जो बैलेंस आपका बचेगा उस पर आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी मिल जाएगा सेविंग का। अच्छा, फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करवा। जैसे सपोज आपको कहीं से 10 लाख रुपीज मिले, जैसे होता है ना रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेजुएटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, आपने सुना होगा तब आपको, तो अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट होता है, अच्छा खासा। अच्छा, तो आपको फिक्स अमाउंट मिला, सपोज 10 लाख रुपीज मिल गया आपको, आप बैंक गए, बैंक में जाके आपने एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया 5 ईयर के लिए, और 10 लाख अपने डिपॉजिट करवा के आप। अब क्या होगा कि वो 10 लाख आप 5 ईयर तक विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, और उस पर आपको बस ये होगा कि हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट आप ड्रॉ करके यूज करते रहें, और 5 ईयर के बाद आपको आपके 10 लाख वापस, और इस पर इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है। हाँ, इंटरेस्ट तो विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे भी आप जॉब कर रहे थे, रिटायर हुए, आपको प्रोविडेंट फंड मिला 10 लाख रुपए, आपने जाके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा दिए, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ड्रॉ करके आप यूज करते हैं अपना गुजारा कर ले, ये होता है। इंटरेस्ट हो गया ना, नॉर्मली जो इसका जो नॉर्मल जो रेट होता है वो 1 लाख पे 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है, लेकिन 10 लाख जमा करें तो 10,000 आपके पर मंथ तकरीबन 10,000 महीने के आते रहेंगे, 50 लाख जमा करें तो 50,000 महीने के आते रहेंगे, सब अपना। और बाद में आपको आपके पैसे भी वापस। ओके, ठीक हो गया आपका फिक्स। और हाँ, मैदान में फिक्स नहीं होते, कम ज्यादा होते हैं मैदान, मैदान की बात कर रहे हैं, तो फिक्स है। हुए टाइप्स ऑफ अकाउंट, अब हो रहे थे टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अच्छा, अब हमने किसी को पेमेंट करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास पेमेंट के, चेक, कैश,
कैश हो गया, चेक हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट जो हमने BRS से पढ़ी थी, क्रेडिट ट्रांसफर और कैश तो पता है, वो कैश कैश होता है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर। कैश में क्या लिखे, चेक्स पे आ गए। चेक देखे आप लोगों ने, यूज भी किया होगा, पढ़ लें इसको, रीड कर लें। ऑनलाइन ऐसे ऑनलाइन आइटम यहाँ पे वो है ना, TPL की ओपनिंग सेरेमनी 5:30 पे ऑडिटोरियम। अच्छा रीड कर लिया, ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, अब चेक के थ्रू बाय चेक हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो चेक ड्रॉ करेंगे। अच्छा चेक ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, कि हम बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे निकाल के फला बंदे को दे दो, ट्रांसफर कर दो, जो भी है ना। चेक क्या होता है, कि आपका ऑर्डर हो गया, चेक क्या लिखा है, अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग। राइटिंग में बैंक को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे फला बंदे को दे दो। अच्छा एड्रेस बाय द पर्सन टू द बैंक, हम बैंक को एड्रेस करते हैं। साइन बाय द पर्सन गिविंग इट, साइन भी होते हैं हमारे। रिक्वायरिंग द बैंक टू पे ऑन डिमांड अ सम सर्टेन इन मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ बेयरर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और बेयरर, ठीक है। अच्छा देखिए, हम चेक लिख के दे रहे हैं तो हम बैंक को ऑर्डर देते हैं हमारे अकाउंट से इतने पैसे फला बंदे को दे दे। अच्छा चेक पे नाम भी लिखते हैं बंदे का, पे लिखा होता है, पे के आगे नाम लिख देते हैं ना, उसको मतलब होता है बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे अकाउंट से इतने बंदे मिस्टर एक्स वाई जेड को पे कर दो। तो स्पेसिफाइड पर्सन का तो मतलब हो गया वो जिसका आपने नाम लिखा उसके ऊपर, ठीक है। वो जब भी जाके डिमांड करेगा बैंक उसको पैसे दे देगा। तो ये लिखा हुआ बेयरर, लिखा हुआ बेयरर, ये कौन होता है, जिसके स्पेसिफाइड पर्सन हो गया जिसका नाम लिखेंगे या बेयरर। अच्छा चेक देखा आप लोगों ने, चेक देखा है। अच्छा चेक के ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ देखा आपने, बेयरर का वर्ड देखा है। चेक के ऊपर ही बेयर का वर्ड लिखा देखा आपने? यस सर। आपने देखा? अच्छा और देखा है, चेक ही नहीं देखा? अकाउंट डिटेल्स की बात हो रही है, ठीक है। इसमें लिखा होता है, जाके देखिएगा चेक बुक में क्या लिखा होगा, पे डिक्लाइन होती आगे लिखा था और बेयरर, यहाँ पे आप नाम लिख रहे होते हैं जो भी है मिस्टर एक्स वाई जेड, इस तरह से, ठीक है। अच्छा अगर आपने इस तरह लिखा पे और नाम लिखे यहाँ पे एक्स वाई जेड और ये उससे प्रिंटेड होता है और बेयरर, और फिर आपने बाकी अमाउंट वगैरह लिखा, डेट वगैरह सब लिख के साइन करके दे दिया। अब जो पैसे हैं वो किसे मिलेंगे, एक्स वाई जेड को या किसी को भी मिल जाएंगे, बस किसी और को नहीं मिलेंगे। सर तो चेक लेके आएगा, चेक तुम क्या बोल जो लेके आएगा उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा भाई, इसका नाम लिखा हुआ एक्सट्रा डेट का, इसके आपसे चेक कर गया किसी और को मिल गया, वो लेके बैंक पहुंच गया उसको मिल जाएंगे। इसका नाम है ABC, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़े, ये स्टेटमेंट पढ़े क्या लिखा है, पे एक्स वाई जेड और
बताओ आप कह रहे एक्स वाई जेड को पे करो या बीएनएल को पे करो, दो लोग फाइनल हो गए, दो चीज आ गए ना, पे एक्स वाई जेड और बीएनएल। अच्छा बीएनएल होता कौन है, जिसके हाथ में चेक होता है उसको बीएनएल कहते हैं। आज चेक पड़ा होता आपने उठा लिया, आप बन गया बीएनएल। मैंने आपको चेक दिया, आपके हाथ में चेक है, आप बन गए फेयर। किसी का चेक पड़ा होता आपने उठा लिया, आप बन गए फेयर। जिसके हाथ में चेक होता है उसको कहते हैं फेयर, राइट। तो अगर आप ये लिखेंगे ना एक्स वाई जेड और बीएनएल, तो उसका मतलब होगा एक्स वाई जेड को पे करो या बीएनएल को पे करो। कोई भी बंदा चला जाए उसको पैसे मिल जाए। अच्छा अब आप चाह रहे हैं कि उसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी को पैसे मिले, किसी और को ना मिले, तो फिर आपको इसको काटना पड़ता है, बीएनएल के वर्ड को आप काट दें। अब ये क्या बना, पे एक्स वाई जेड, और पे चेक गिर गया और नहीं उठा लिया, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि उसका नाम एक्स वाई जेड ना, सेम नाम के बंदे को मिल गया तो वो तो फिर जाके कैश करवा लेगा, क्योंकि एनआईसी में तो नाम सेम है। बेरल कौन होता है, जिसके हाथ में चेक होता है, चेक। अच्छा बात है पार्टीज टू चेक। अच्छा तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जब भी हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक हम हो गए अकाउंट होल्डर, एक जिसको आप पे कर रहे हैं वो बंदा हो गया, तीसरा कौन होगा, बैंक। ठीक है, तीन पार्टीज हो गई, एक अकाउंट होल्डर, एक वो जैसे पे कर रहे हैं और तीसरा बैंक। अच्छा उसके लिए टर्म्स के जो होती है ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन होता है, अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को कहते हैं ड्रॉअर, चेक ड्रॉ करता है। सेकंड कौन है, पेई, पेई कौन होगा, जिसको पेमेंट की जाए, यानी कि जैसे हमने बात की एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड कौन है, पेई, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, और ड्रॉई बैंक होल्डर। ठीक है, हम अकाउंट होल्डर ने चेक ड्रॉ किया किस पे, बैंक पे, बैंक हो गया ड्रॉई, बैंक को हमने ऑर्डर दिए कि फला बंदे को पैसे दे दो, तो वो बन जाएगा पे। तीन पार्टीज होती है इसमें, ड्रॉअर, अकाउंट होल्डर हो गया, पे जिसे पेमेंट की जा रही है, ड्रॉई आपका बैंक। इसको रीड कर लें, इसमें भी एक नई टर्म है, फिर वो समझाता हूँ मैं आपको। ड्रॉअर, पे और ड्रॉई, इसपे का भी एक नई टर्म क्या है, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होती है, कि अपने नाम पर चेक किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना, अपने नाम पर चेक किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना एंडोर्समेंट कहलाता है। सपोज के मैंने आपको पेमेंट किया, बाय चेक आपका नाम लिख के दिया, आपने किसी और बंदे को पेमेंट करने दी, आपने क्या किया, वही अपने नाम का चेक अगर आप उस तीसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर दें तो तीसरा, तो ये कहलाएगी इंडोर्स। और आप अगर चेक देखें तो उसके बैक साइड पे आप देखिएगा चेक की लिखा हुआ भी होता है, पूरा प्रिंटेड होता है इंडोर्स टू, आगे स्पेस होती है, फिर साइन वगैरह किए जाते हैं। तो इंडोर्समेंट क्या है कि अपने नाम का चेक किसी और के नाम ट्रांसफर करना। अच्छा मैंने आपको चेक दिया, आपने किसी और के नाम ट्रांसफर किया, तो क्या होगा, पैसे मेरे अकाउंट से उस थर्ड पार्टी के अकाउंट में चले जाए, इंडोर्समेंट। और जो पे ही है वो चाहे तो वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है, चाहे तो किसी और को इंडोर्स भी कर सकता है। क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉस चेक का नाम सुना है, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक क्या होता है, छुरियां चला रही हैं आप, क्रॉस कर रहे हैं, गला काट रहे हैं।
हाँ क्रॉस चेक क्या होता है, जैसे मतलब पार्टी मनाते हैं, यूं यूं दो लाइनें ड्रॉ करते हैं। हाँ पैरेलल लाइन को अगर ये छह के फोर्स करें क्या करेंगे, इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं ना साइड पर, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये कहलाएगा क्रॉस चेक। साइड में अगर दो लाइन का ड्रॉ करें पैरेललली बन जाता है क्रॉस। क्या क्या कहने आप अगर ये चेक के साइड पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें ये बन जाता है क्रॉस चेक। तो फायदा क्या है, क्या पूछ रहे हैं, क्या फायदा होता है इसी होता है कि अगर आप चेक को क्रॉस कर दें तो फिर ये कैश नहीं हो जाता। पहले तो पॉइंट ये चेक कैश नहीं जैसा आपका ठीक है अपने नाम लिखा हुआ था, इससे पहले क्या होता अगर यहाँ पे चेक गिर गया और किसी और ने उठा लिया तो वो जाकर कैश नहीं करवा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा और किसके अकाउंट में जिसका नाम मैच, इसका फायदा ये होता है क्रॉस करने का ये चेक कैश नहीं होता, ये सिर्फ अकाउंट में डिपॉजिट जिसका नाम हो या जिसके नाम पे इंडोर्स किया जाए ये इसका फायदा हो जाता है क्रॉस करने का। ये फिर ये चेक कैश नहीं होता, इससे आपका चेक सेव हो जाता है। चेक अगर गिर भी गया और किसी और ने उठा लिया तो बैंक जाकर कैश नहीं करवाता। अच्छा इसको रीड कर लें, फिर इसमें एक पॉइंट और है। हेलीकॉप्टर बना के खेलते हैं तो जमा ही नहीं होगा। सेफ नहीं है ना, सेफ ये सेफ्टी है ना। दूसरा इसका एक फायदा और भी है ना, आपने किसी को चेक दिया कैश करवा लिया उसने बाद में मुकर दिया, क्रॉस करके देंगे जमा कराएगा तो आपके पास रिकॉर्ड होगा आपके अकाउंट से पैसे कहाँ गए, ये भी फायदा है ना, रिकॉर्ड में भी आ जाएगा ना, ये कैश तो नहीं रहा है डिपॉजिट ही होता है। आपने किसी को कैश का चेक दिया उसने आके कैश करा लिया बैंक से पैसे लेके चला गया बाद में आगे दोबारा पैसे मांगते हैं, प्रूफ क्या है? आपने किसी को पेमेंट की कैश का चेक दिया ये गया बैंक कैश करा लिया कल दोबारा पैसे मांगने आ गए, आप बोलेंगे अभी कल तो चेक दिया था आपके बैंक में ही ना, बताओ इसके बैंक में थोड़ी आपके ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड है क्या? क्रॉसिंग और चेक रीड कर लिया ठीक है। यहाँ पे पढ़े थे एंडोर्समेंट ऑफ चेक, ये भी मैंने आपको बता दिया अपने नाम का चेक किसी और के नाम ट्रांसफर कर इसको रीड कर लें, इसमें भी एक पॉइंट है मैं समझाता हूँ। एंडोर्समेंट ऑफ चेक 330 ये रीड कर लें, एंडोर्समेंट ऑफ चेक एग्जाम्पल है ये भी रीड कर लें।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखेंगे, अनलेस इट इज एन अकाउंट पेड चेक। एंडोर्समेंट क्या है कि अपने नाम का चेक किसी और के नाम ट्रांसफर करना, ठीक है, हर चेक ट्रांसफर हो जाएगा अनलेस इट इज एन अकाउंट पेड चेक। अगर अकाउंट पेड चेक है तो वो एंडोर्स नहीं होता, फिर वो उसी के अकाउंट में डिपॉजिट होगा जिसका नाम लिखा होता है, ठीक है। अभी होता क्या है ये बता देते हैं, अकाउंट पे क्या होगा कि एंडोर्स नहीं होता, सिर्फ उसी के अकाउंट में डिपॉजिट होगा जिसका नाम लिखा होगा। क्रॉस चेक किया किस टाइप आगे चले जाते हैं, क्या होता है अकाउंट पे में क्या आपने क्या क्या आपका क्या आपने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद दोनों लाइंस के बीच में आपने लिखा अकाउंट पे। अच्छा कोई अकाउंट पे लिखता है और कोई अकाउंट पे ओनली भी करता है, अब ये कहलाता है अकाउंट पे चेक। अब इससे क्या होगा जब ये किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा, एंडोर्स नहीं होगा, अब इसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा जिससे उसी के अकाउंट में डिपॉजिट, इसका ये फायदा होगा। मतलब आपने किसी को पेमेंट किया, आप चाह रहे हैं चेक सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में जाए, तो आप क्या करें उसको फिर क्रॉस करने के बाद अकाउंट पे लिख, क्रॉस चेक तो एंडोर्स हो जाएगा ना, मैंने आपको दिया क्रॉस चेक, आपने इनको दे दिया, मेरे अकाउंट से पैसे इनके अकाउंट में चले गए। आप चाह रहे हैं जिसको आपने पेमेंट किया सिर्फ उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो, किसी और के अकाउंट में ना हो, तो आप उसको फिर क्रॉस करके अकाउंट पे भी लिख दे, फिर वो चेक इंडोर्स, ठीक है।